वो रहेगा बच्चे, मिसलिनियस एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये मेरा आज का टॉपिक है। डिफरेंट काइंड्स की हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे विच आर अवेलेबल इन योर बुक और अदर बुक्स, और फिर आगे चलेंगे कि आपके पास क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसी है। ठीक, फिर से देख लीजिए, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को लेंगे, और उसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, या जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आपकी बुक में क्वेश्चन है बच्चे, अगर आपने नोटिस किया होगा, एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स एंड हेयर इज एल एम एंड एन एंड सेकेंड इज ए बी एंड सी एंड ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। साथ में उसने डेरिवेटिव आपको दिया भी हुआ है कि इसका डेरिवेटिव ये वाला बनेगा, तो आपने उस चीज को क्या करना है, चेक करना है कि इस डेरिवेशन को हम आगे ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। तो लीजिए, उसी के साथ बच्चे आगे शुरू कर रहा हूं कि हाउ वी विल मूव अप। एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन रहती है कि जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो एक तो इसका डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला बच्चे ये कहता है कि यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, एंड सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज, प्लस फिर एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स एज इट इज, सेकेंड रो का डेरिवेटिव मीन्स जीरो 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 एंड हेयर इज ए बी सी, प्लस फिर क्या होगा बच्चे, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स एल एम एंड एन एंड थर्ड रो का डेरिवेटिव जीरो जीरो एंड जीरो। और आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि व्हेन द डिटरमिनेंट गॉट वन रो जीरो, तो वो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जैसे ही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। और आई थिंक आपकी बुक में यही आपको एज ए क्या दिया हुआ है, आंसर दिया। अब एक दूसरा ऑप्शन देखिए, सपोज दैट हमें नहीं पता या हम ऑन द स्पॉट इस रूल को भूल जाते हैं, अब मैं क्या करूंगा, दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है बच्चे कि आई विल ओपन दैट अप लाइक दिस। फर्स्ट रो के साथ ओपन कीजिए, एफ एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन माइनस जी एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स एल बी माइनस ए एन हो गया। अब आप एक चीज देखिए, ये है एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स एम सी माइनस बी एन, ये तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट वैल्यू है, माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एन एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एन। अब आप एक चीज देखिए,
क्या मैं इसको दोबारा से रीराइट कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट लाइक एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स. हेयर इज एल एम एंड एन एंड हेयर इज ए बी एंड सी. चेक कर लीजिए ये किसकी वैल्यू हुई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू. फिर हम उसी पार्ट में चले गए ना जहां से हमने इसको क्या किया था, शुरू किया था. तो आप इसको दोबारा आप चेक कर लीजिए, इफ यू ओपन दैट दिस डिटर्मिनेंट, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो उसकी वैल्यू इसी के क्या होगी, इक्वल होगी. तो ये इसका सेकेंड वे है टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. गॉट इट. अब एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस होंगे बच्चे, उस दिन भी किए थे और भी क्वेश्चंस हैं. पहले मैं आपकी बुक वाले क्वेश्चंस लेता हूं. ही सेड यूजिंग द फॉर्मूला, अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट क्या. ही सेड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. यूजिंग द डेरिवेटिव फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी. अच्छा अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, तो अगर हम कॉस ए प्लस बी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो वी कैन राइट इट एज कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी. ठीक, कॉस ए साइन बी तो हमारे पास आई है. अब हमने इस चीज से वैल्यू फाइंड आउट करने, सॉरी यहां प्लस की जगह पे क्या होता है, माइनस होता है. और मैंने यूटिलाइज किसको करना है बच्चे, डेरिवेटिव को यूटिलाइज करना है. तो स्टार्ट करते हैं साइन ए प्लस बी. तो शुरुआत कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी. और अगर मैं कॉस ए प्लस बी को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करूं तो इट बिकम्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स. मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए एंड बी क्या है यहां पे, वेरिएबल्स है. ओके नेक्स्ट आ जाइए. हियर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए डी ए अपॉन डी एक्स कॉस बी एज दिस प्लस साइन ए एज दिस. कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी और साथ में क्या आएगा, डी बी अपॉन डी एक्स. अब इसका डेरिवेटिव हो गया, देखिए फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव एंड हेयर सेकेंड पार्ट. अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए, ए का क्या होगा बच्चे, डी ए अपॉन डी एक्स एंड साइन बी एज इट इज. अब कॉस ए एज इट इज, साइन बी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस बी एंड डी बी अपॉन डी एक्स एज इट इज. अब जरा क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला. ठीक, सिंपल फॉर्मेशन, और सिंपल फॉर्मेशन में आपका ये रहा डी ए अपॉन डी एक्स एंड हेयर इज ऑल्सो अ डी ए अपॉन डी एक्स. तो मैं बच्चे इन दोनों में से डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन कर रहा हूं, तो लेफ्ट विद कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके कम ऑन टू नेक्स्ट, डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स. इन दोनों में से डी बी अपॉन डी एक्स क्या कर रहा हूं, कॉमन कर रहा हूं. लेफ्ट विद कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अब आप इसमें चेक कीजिए बच्चे,
cos a cos b, sin a sin b, cos a cos b, sin a sin b. This can also be taken as common. तो मेरे पास ये टर्म क्या आ गई, cos a cos b minus sin a sin b as common, and we are left with da upon dx plus db upon dx. अब चेक कीजिए, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए. तो आपके पास वही फार्मूला जनरेट हो गया विच वी वांट टू प्रूव. cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. और इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मेशन कह सकता है टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू दिस वन. किसी को भी इस तरह के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, ओके. अब इसी तरह की डिफरेंशिएशन में एक और क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है बच्चे. He said, implicit form में x minus a whole square, y minus b whole square is equal to c square. And he wants to prove that 1 upon dy upon dx whole square power 3 by 2 over double derivative. कौन सा बचे, double. हमने इस चीज की value find out करनी है कि the derivative of this, or I can say the value of this. Is इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ए और बी और एक्स और वाई. यानी इसका जो आंसर है वो ए बी एक्स और वाई में नहीं आएगा, समथिंग एल्स इज देयर. तो कैसे शुरू करना होता है, देखिए. सबसे पहले हम नॉर्मल डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करते हैं वही करेंगे. एक्स माइनस ए, आई कैन राइट इट एज 2x माइनस ए, 2y माइनस बी. और बच्चे अब y माइनस बी का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx. आई थिंक ये किसी को डाउट नहीं होगा कि मैंने ये क्या कर दिया. अगर हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, c स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, जीरो होगा. नाउ 2y माइनस बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x माइनस a. अगर आप 2 के साथ 2 को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी. ये किस चीज की वैल्यू होगी बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू. इसकी भी हमें जरूरत है, बट इसके आगे देखिए, इसका मैं जब नेक्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो आई विल राइट इट एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड सी दैट व्हाट विल बी देयर. जैसे हम करते हैं वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी लोअर पार्ट एज दिस, ये नेगेटिव साइन को यहीं रख दीजिए, वाई माइनस बी एज इट इज, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1, then x minus a as it is and y minus b का डेरिवेटिव क्या होगा, dy upon dx. I think इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि हम इस तरह के डेरिवेटिव अभी कर चुके हैं. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस dy upon dx, इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये वाली वैल्यू फीड कर रहा हूं, और ये वाली वैल्यू फीड करने का मोटिव मेरा क्या है बच्चे, वो भी देख लीजिए. y minus b नेगेटिव, एक्स माइनस ए, मैंने जैसे इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फिल की, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये नेगेटिव में थी तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा,
पॉजिटिव एंड ऑन द लोअर एंड व्हाट इज गिवन टू मी Got it? इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं आगे फॉर्मेशन में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए कैसे। नाउ आई विल टेक द एलसीएम, फ्रंट पे नेगेटिव तो है ही है, तो जैसे मैंने ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लिया बच्चे वाई माइनस बी, ऑलरेडी नीचे वाई माइनस बी का क्या था होल स्क्वायर, तो यू विल चेक इट, ये वाई माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, और आपके लिए इसमें ये चीज कंफ्यूजन वाली होगी बच्चे, वो क्या होगी कि यू कैन सी कि y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, c स्क्वायर के, ऑलरेडी गिवन है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस वैल्यू को क्या फिल कर दूंगा, सी स्क्वायर के क्या कर दूंगा, इक्वल फिल कर दूंगा, तो व्हाट यू विल गेट, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चे किस चीज की वैल्यू आई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। ओके, अब एक चीज चेक कीजिएगा, आपको प्रूफ क्या करना था वो भी देख लीजिए। आपका जो प्रूफ वाला पार्ट था वो ये था, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर ओवरऑल पावर 3/2 अपॉन डबल डेरिवेटिव। चलिए, अब आपने दो चीजें फाइंड आउट कर ली बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स वो क्या था, माइनस एक्स अपॉन ए ओवर वाई माइनस बी। ठीक, यहां y माइनस बी का क्या आना था बच्चे, क्यूब आना था। आप देख लीजिए क्यों क्यूब आना था, बिकॉज y माइनस बी की पावर 1 थी, y माइनस बी का पावर क्या था, स्क्वायर था, तो दैट्स वाई यहां पे क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। अब चलते हैं आगे, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस वैल्यू, इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर, सिर्फ इस वाली वैल्यू को। अब देखिए क्या होने वाला है, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ओवरऑल पावर क्या है 3/2। चेक करेंगे, टेक द एलसीएम, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब फिर से आप देख सकते हैं कि y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, c स्क्वायर के ओवर y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी ओवरऑल पावर देखिए क्या है, थ्री बाई टू। अब 3/2 पावर को जब आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, c क्यूब अपॉन y माइनस क्यूब, यानी वेन एवर यू सॉल्व दिस होल क्वांटिटी तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए। और अब आपके लिए क्वेश्चन, देखिए इंस्टेड ऑफ दिस टर्म, इस पूरी टर्म को अगर मैं चेक करूं तो इसकी वैल्यू क्या आई बचे, सी क्यूब वाई माइनस बी का होल क्यूब ओवर, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब हमने निकाली थी बच्चे क्या आई थी, माइनस सी स्क्वायर
वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब आप क्या देखेंगे बच्चे, y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब कैंसल्ड, ये कैंसल होके क्या आ जाएगा माइनस सी। तो आप चेक कर सकते हैं बाय मूविंग अप टू सो मेनी स्टेप्स आप किस स्टेज तक पहुंचे हैं कि इसका ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए, माइनस क्या होगा सी होगा, और फिर आप उससे आगे क्या करें मूव ऑन करें। मतलब आपको जो भी उसमें रिजल्ट पूछा गया होगा कि इस पार्ट का रिजल्ट हम क्या लिखें या इस पार्ट को हम किस तरह से डिस्क्राइब करें, तो वो आपके डेरिवेटिव की क्या होगी वैल्यू बनेगी। बट ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए दिया गया था, सॉल्व करने के लिए दिया गया था, तो हमने उसी फॉर्मेट में इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, अब थोड़े से और क्वेश्चंस देखिए कैसे। आप में से मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहा था कि आज कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो लीजिए पुराने पार्ट की भी कुछ ना कुछ रिवीजन हो। लाइक अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ही सेड फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इनटू ओके। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अगर आप में से कोई भी बताना चाहे कि मैं इसको किस मेथड के साथ डिफरेंशिएट स्टार्ट करूंगा, यस वेरी गुड डेरम। बच्चे इसमें एक बड़ा स्पेशल सा स्टेप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन से आई विल राइट इट एज यू प्लस वी। क्या लिखूंगा, यू प्लस वी। अब अगर आप यू प्लस वी कर रहे हैं, ठीक, अब इसका मतलब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो व्हाट यू विल गेट डी यू अपॉन डी एक्स, एंड वट विल यू गेट डी वी अपॉन डी एक्स। तो यू कैन चेक इट, ये डी यू अपॉन डी एक्स है एंड ये डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्या होने वाला बच्चे देखिए, एक्स पावर कॉट एक्स और मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होगा कि सीधा सीधा मैं v का डेरिवेटिव तो ऐसे ही कर सकता हूं, v dv अपॉन dx, तो इसको तो मैं लिखूंगा लोअर पार्ट का होल स्क्वायर लोअर पार्ट एज इट इज एंड अपर पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज और नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 1। तो यू कैन चेक इट, आप इसको सॉल्व करें और ये एज इट इज रख लें, तो आपका dv अपॉन dx तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। नाउ माय नेक्स्ट कंसर्न इज हाउ आई कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ यू। बच्चे आपको शायद याद हो मैंने आप सबके साथ ये डिस्कस किया था कि व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो उसके लिए हम एक ही लॉगरिथमिक ट्राई करते हैं विच इज नोन एज एक ही मेथड ट्राई करते हैं विच इज नोन एज लॉगरिथमिक। तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स समझ लगी, a पावर b को b log a लिख सकते हैं। आगे का स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन u डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, चेक कीजिए cot x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x log x प्लस
कॉटेक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। और ये रहा आपके उस क्वेश्चन का फॉर्मेशन। ये अभी 1/u इस तरफ आएगा बच्चे, और u की वैल्यू हम फिर से फिल करेंगे, दैट इज x पावर cot x। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास du upon dx की वैल्यू रही, विच यू कैन पुट इट हेयर। ये आपके पास dv upon dx रहा, विच यू कैन पुट इट हेयर। तो ये आपके क्वेश्चन का टोटल क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव लाइक दिस। अब जैसे हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस तो बड़े कम रहते हैं, बट कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। जैसे वो कह दे, क्योंकि इफ x पावर m y पावर n इज इक्वल टू x प्लस y पावर m प्लस n and he ask you prove that dy upon dx is equal to y upon x। बच्चे जो questions ऐसे होते हैं ना कि जिसमें हमें definitely क्या करना होता है, prove करना होता है, तो उसमें हमें बड़ा सोच समझ के question को क्या करना होता है, चलाना होता है। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, जब भी वो आपको कहे कि find out the डेरिवेटिव एंड प्रूव इट, तो प्रूव में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं, समझ गए ना। तो प्रूव में आपको वैसे ही चलना होता है जैसे वो आपको, मतलब वही चीज प्रूव करनी होती है जो आपको अब जैसे देखिए क्वेश्चन क्या हो, दोनों मेथड हैं बच्चे, दोनों मेथड से कर सकते हैं। फिर भी एक चीज कहूंगा, टेकिंग लॉग, जब आप लॉग लेंगे तो x पावर m y पावर n लॉग ऑफ चलिए पहला आ जाएगा लॉग a प्लस लॉग b, तो आई कैन राइट इट एज लॉग x पावर m प्लस लॉग y पावर n, एंड दिस वन कैन बी रिटन एज log of x plus y power m plus n। आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, this m can be taken on front, this n can be taken on front, and this m plus n can also be taken on front। okay, अब हमारा शुरुआत होती है derivative। लीजिए m as it is derivative of log x 1 upon x, n as it is derivative of log y 1 upon y, एंड y का डेरिवेटिव क्या है, dy upon dx, m plus n as it is, हाँ जी, log of x plus y, I can write it as 1 upon x plus y, और further x plus y का क्या होगा, 1, और इसको क्या लिखा जाएगा, dy upon dx, जैसे हम normal किस form में करते थे, implicit form में करते, अब एक छोटा सा काम करना, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, m प्लस n अपॉन x प्लस y, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो व्हाट यू विल गेट, m प्लस n ओवर x प्लस y, m प्लस n ओवर x प्लस y, साथ में क्या है, dy अपॉन dx। इस तरफ देखिए ये क्या है, m अपॉन x, n upon y, dy upon dx। चेक कीजिएगा बच्चे, ये dy upon dx की वैल्यू है, ये भी dy upon dx की वैल्यू, इसको वन साइड में करो, सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इफ वी टेक द थिंग्स ऑन वन साइड, तो चेक कीजिए क्या होगा, ny y माइनस
एम प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या होगा, एम प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई एंड एम अपॉन एक्स। स्टेपिंग बड़ी सिंपल सी स्टेपिंग है, टेक द एलसीएम। यहां पे आप एलसीएम लोगे y टाइम्स x प्लस वाई होगा, dy वाई अपॉन डी एक्स है आपके पास। इस तरफ आप एलसीएम लेंगे तो x टाइम्स x प्लस वाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, ये क्या होगा एम एक्स प्लस एन एक्स, और ये इस तरफ से क्या आएगा माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। ओके, इस तरफ से देखिए क्या होगा एन एक्स एन वाई माइनस एम वाई एन वाई। देखिए एम एक्स कैंसिल हो गया, एन वाई की कैंसिल हो गया, और अब बाकी का देखिए एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो गया। ऊपर दो टर्म्स बची एन एक्स माइनस एम वाई, वो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल बी विद दिस वन। और ये लीजिए आपका क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कोई डाउट? तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, जिसको आप यहां पे क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। हो जाएगा द फॉर्मेशन वी कैन डिफाइंड इन एनीवे। ओके, तो ये भी डेरिवेशन का एक क्या है स्टेपिंग। अच्छा एक चीज, हालांकि ये क्वेश्चंस बड़े रेयरली आते हैं, बट फिर भी एक चीज याद रखिए कि समटाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। जैसे ये लिखा हुआ बच्चे वाई एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स अप टू कहां तक इन्फिनिटी, एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। एक चीज देखिए, क्योंकि ये आपके पास टर्म इन्फिनिटी है, अगर आप इस चीज की वैल्यू को दोबारा से जज करें, बस मैथमेटिक्स में यही चीज है बच्चे कि मैंने इस एक्स को छुपा दिया, मतलब, और इस ऊपर वाली वैल्यू को देखा, तो ये अगेन आपको किसकी इक्वल दिखेगी, y की इक्वल दिखेगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो अगर आप इस टर्म को छोड़ भी दें तो आपको ऊपर वाली वैल्यू भी अगेन क्या दिखेगी, y जैसी दिखेगी। बस इसी स्टेप को मैं यूज करता हूं, तो आई कैन राइट इट एज y x पावर y। अब सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कॉटेक्स 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 एंड वी विल मूव इट अप टू कहां तक इन्फिनिटी तक। तो बच्चे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें रेपिटेशन कहां से हो रही है, यहां से रेपिटेशन हो रही है। तो अगर यहां से रेपिटेशन हो रही है तो वी कैन सिंपली राइट इट एज वाई कॉटेक्स, और जहां से रेपिटेशन हो रही है उसको क्या लिखते हो
और आप चेक भी कर सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन का मेरा सोल्यूशन क्या होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर वाई। अब नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज वाई लॉग एक्स, डेरिवेटिव कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हेयर इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स एज इट इज प्लस y as it is log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। dy अपॉन dx को क्या कीजिए, वन साइड कीजिए, इसको अनदर साइड दे दीजिए। एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, जैसे हम रूटीन में क्या करते सॉल्व करते हैं। गॉट इट बच्चे, ये क्वेश्चंस थे कुछ डिफरेंशिएशन के अलग से क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।